नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। जैसे कि हमने आपको पहले ही सूचना दे दी थी कि टाटा स्काई बिंज प्लस, जो कि आपका एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स है, उसमें जल्द ही आपके लिए नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है। और फाइनली दोस्तों आज से यानी कि 25 जनवरी 2022 से नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन आपके टाटा स्काई बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स में लॉन्च कर दी गई है। बताना चाहूंगा कि टाटा स्काई की ओर से जो है काफी वक्त से इसके साथ डील चल रही थी, कोई ना कोई एक डिस्प्यूट था जो कि फाइनली अब खत्म हो चुका है और आपके टाटा स्काई बिंज प्लस में नेटफ्लिक्स को लॉन्च कर दिया गया है। अब जो कस्टमर टाटा स्काई बिंज प्लस के उपभोक्ता है, यानी कि कह लीजिए वो नेटफ्लिक्स को देखना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वह इसको देख नहीं पा रहे थे, तो उनका जो है अब सपना जो है वो सच हो गया है और नेटफ्लिक्स फाइनली अब टाटा स्काई बिंज प्लस में भी देख पाएंगे। अब यहाँ पर जो है टाटा स्काई बिंज प्लस में जो है मॉर्निंग में सुबह सुबह एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आप मैनुअली आप जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। मेरे सेटअप बॉक्स में मैनुअली अपडेट हो गया और उसके बाद नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गई। देरी नहीं करेंगे, सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ और टाटा स्काई बिंज प्लस में कैसे दिखने को मिल रही है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। बाकी अगर आपके पास भी टाटा स्काई बिंज प्लस सेटअप बॉक्स है तो आप चेक कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाकर कि नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन दिखाई दे रही है नहीं। अगर नहीं दे रही है तो आपको अपने सेट टॉप बॉक्स में सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा या फिर वो एक दो दिनों में अपने आप ही आपके सेट टॉप बॉक्स में अपडेट हो जाएगा। बस सेट टॉप बॉक्स को ऑन रखिएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे उसको वाईफाई मिलेगा या फिर इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टीवी स्क्रीन की ओर चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा अपडेट होना शुरू हो गया है, आपको भी अपना मैनुअल अपडेट कर लेना है अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो। और सिस्टम जो है अपडेट होने के साथ ही आपके जो है नेटफ्लिक्स को इनेबल कर देगा और आपके सामने जो है सबसे पहले एंड्रॉयड टीवी के नाम से कुछ इस प्रकार का लोडिंग लेगा और उसके बाद जो आपकी नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर में दिखाई देने लगेगी। आप जो है सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाकर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जैसे कि सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप जाएंगे तो सिंपली जो है आपको वहाँ पर नेटफ्लिक्स को टाइप कर लेना है और उसके बाद जो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन अब आपको देखने लगेगी। इसके अलावा जो है वहाँ रेकमेंडेड एप्लीकेशन जो है दोस्तों वहाँ पर भी आपको नेटफ्लिक्स जो एप्लीकेशन है वो दिखाई देने लगी है। तो यहाँ से दोस्तों मैनुअली जो है इसको अपने सेटअप बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और नेटफ्लिक्स का कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो उसको यहाँ पर आप ऐड करें और उसका जो है बड़ी स्क्रीन पर मजा लें। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन आपके सेटअप बॉक्स में इनेबल हो गई है। सिंपली अपडेट करने के बाद वो आपके सेटअप बॉक्स के बाहर होम स्क्रीन पर भी दिखाई देने लगेगी।